ऊपर की साइड बन रखा है यहाँ पे कॉलेज, और नीचे की साइड देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्टल बन रखा है जहाँ के बच्चे रहेंगे। ये स्कूल था, 1 क्लास से 5 क्लास था जो कि प्राइवेट था, और 2 साल हो चुका है इसको बंद हुए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक खंभा है बहुत बड़ा जिसके ऊपर पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर इंटर कॉलेज बने हुए पूरे 58 साल हो चुके हैं, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और साइंस की क्लासें चलती थी इस तरफ के लिए, तो ये वाले कमरे दिखाई दे रहे हैं। आर्ट्स की क्लासें चलती थी इस साइड के लिए यहाँ पे। अब ये इसको तोड़ दिया है, अब इसका पुनर्निर्माण हो रहा है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल तेजू गुसाई ब्लॉग में। आप सभी ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 2 बजे से। तो अभी मैं हूँ उफरेखाल मार्केट में। तो आपने पिछला ब्लॉग में देखा होगा उफरेखाल मार्केट, मैंने पूरा टूर कराया था आपको उफरेखाल मार्केट का। तो अब मैं कराऊंगा आपको यहाँ का डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज का टूर, जो कि काफ़ी अच्छे बन रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड लगा है कॉलेज का, राजकीय महाविद्यालय उफरेखाल पौड़ी गढ़वाल, और यहाँ से सड़क बना रखी है ऊपर कॉलेज के लिए। तो चलते हैं हम सड़क के रास्ते, और बाइक मैंने इस साइड के लिए खड़ी कर रखी है मार्केट पे। अभी इस कॉलेज का काम यहाँ पे चल ही रहा है। तो यहाँ पे बन रखा है सबसे पहले हॉस्टल, और यहाँ पे है गेट। तो यहाँ से तो गेट बंद दिखाई दे रहा है, तो आपको हॉस्टल दिखाते हैं जो कि अभी चालू नहीं हो रखा है। यहाँ काम अभी लगा हुआ है हॉस्टल में, और कॉलेज है ऊपर की साइड देख सकते हो, काफ़ी सुंदर हॉस्टल बना हुआ है यहाँ पर। तो इस कॉलेज के चारों तरफ 4 दीवारें दे रखी है, तो अंदर जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। तो अभी हम शायद साइड से ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से दिखाते हैं आपको कॉलेज। यहाँ पे देखिए बहुत ऊंची दीवार दे रखी है, कॉलेज तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से कि कहाँ पे कॉलेज है। अभी हम कॉलेज के पीछे की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे पूरा कांटे वाले तार से बाढ़ कर रखी है, अंदर जाने का कहीं से भी रास्ता नहीं है। अगर हम इस कॉलेज के छत में जाएंगे तो यहाँ से चारों तरफ के व्यू नज़र आता है, और आप इस तरफ के व्यू देखिए, काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है। जैसे ही हम कॉलेज के पीछे आए, यहाँ पे बहुत तेज हवाएं भी चलती है, आप हवा की आवाज़ सुन सकते हो। और आशु कैसा लग रहा है तुझे उफरेखाल? अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे आवाज़ भी गूंज रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कॉलेज के अंदर से बोल रहा है। कॉलेज काफ़ी सुंदर बना हुआ है, तो देखते हैं अगर हम कॉलेज के आगे की तरफ जा सके तो आपको आगे से व्यू दिखाते हैं। आज का मौसम बहुत बेकार हो रखा है, कहीं भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही व्यूज आ रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमें रास्ता मिल चुका है अंदर जाने का, तो अब आपको कॉलेज के अंदर दिखाते हैं, और कैमरा दे रखा है मैंने भी आशु के पास। आज आशु यहाँ से अभी गिरनी बना रखा है, तो अब चलते हैं कॉलेज के अंदर। वैसे भी कॉलेज में आज कोई नहीं है, आज संडे का दिन है, और ये सड़क आ रही है ऊपर कॉलेज तक, देख सकते हो काफ़ी प्यारा कॉलेज बन रखा है यहाँ पर। और ये कॉलेज यहाँ पे चालू हुआ था सन 2021 में। उफरेखाल में डिग्री कॉलेज की स्टार्टिंग वैसे सन 2016 में हो चुकी थी, पहले ये कॉलेज नहीं बना हुआ था। यहाँ पे इंटर कॉलेज के पीछे 2 कमरे थे, तो इन्हीं कमरों में यहाँ पे क्लासेस चलती थी। तो इस कॉलेज को बनने में पूरे 3 या 4 साल रखे, और इस कॉलेज की उद्घाटन हुआ था सन 2021 में। ऊपर की साइड बन रखा है यहाँ पे कॉलेज, और नीचे की साइड देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्टल बन रखा है जहाँ के बच्चे रहेंगे, देख सकते हो कितना बड़ा हॉस्टल है। और व्यू देखिए, काफ़ी शानदार व्यू आता है यहाँ से, पूरा हिमालय रेंज दिखाई देता है, वहाँ धुंध की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने डिग्री कॉलेज तो देख लिया है, अब दिखाते हैं आपको यहाँ का इंटर कॉलेज जो कि पास में ही है। इंटर कॉलेज है इस तरफ के लिए, जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं कुछ बिल्डिंगें, तो इधर के साइड चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं इंटर कॉलेज के पीछे,
और यहाँ पे है प्राइमरी स्कूल। अभी आपको प्राइमरी स्कूल दिखाते हैं। और जो ये प्राइमरी स्कूल है इतने से इधर आता है ब्यूरोखाल ब्लॉक में। देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी काफी प्यारा बन रखा है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय फ्रेखाल ब्यूरोखाल पौड़ी। और इतने से इधर आता है थलेसरण ब्लॉक में, और डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज आते हैं थलेसरण ब्लॉक में, और ये प्राइमरी स्कूल आता है यहाँ पे ब्यूरोखाल में। पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा है यहाँ पर, और एक नया स्कूल यहाँ पे बन रखा है। अब आपको इंटर कॉलेज का ग्राउंड दिखाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और मैंने भी 11 और 12 भी यहीं से किया था इस स्कूल से। देख सकते हो अभी हम यहाँ ग्राउंड में आ चुके हैं, और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। और साइंस की क्लासेस चलती थी इस तरफ के लिए, जो ये वाले कमरे दिखाई दे रहे हैं। आर्ट्स की क्लासेस चलती थी इस साइड के लिए यहाँ पे। अब ये इसको तोड़ दिया है, अब इसका पुनर्निर्माण हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे अभी गाय आ रखे है चढ़ने के लिए। यहाँ बगल में देख सकते हो यहाँ पर बना है नया स्कूल, जहाँ की अभी आर्ट्स वाले की क्लासेस चल रही है, और छोटे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। यह स्कूल है 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक। तो मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 11 और 12 किया है, बाकी 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक मैंने अपने गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की हुई थी। यहाँ पर इंटर कॉलेज बने हुए पूरे 58 साल हो चुके हैं, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो पहले ये जनता इंटर कॉलेज है, यहाँ पर जनता द्वारा चलाया जाता था इस कॉलेज को। फिर इसके बाद सन 2011 से इसको सरकारी घोषित किया गया। पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल था, जो कि टूट गया अब, और पहले यहीं पे क्लासेस चलती थी। तो ये स्कूल गिर गया था पीछे की तरफ से, तो अब पीछे बनना है और से बड़ा फील्ड बन जाएगा यहाँ पे खेलने के लिए। देख सकते हो बहुत बड़ा फील्ड है, और ये भी अभी बना है कुछ साल पहले, 1-2 साल हुए होंगे इसको बने हुए। पता नहीं कितने साल लगते हैं इसको बनने में अब। और तो क्लासें पीछे थी, यही डिग्री कॉलेज की क्लासें चलती थी पहले, जो ये एक रूम दिखाई दे रहा है आपको पीछे। अभी हम आ चुके हैं नीचे, तो एक स्कूल इस तरफ के लिए ऊपर जंगल में, अभी आपको इसको भी दिखाते हैं। और यहाँ एक से एक प्रकार की चीजें हैं, तो ऊपर जाके बताते हैं आपको कि क्या है यहाँ पर। ये जंगल के अंदर से जाना पड़ेगा हमें ऊपर। तो बचपन में सिर्फ एक क्लास में आया था, पल मैं यहाँ, मुझे इतना ध्यान भी नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं नीचे, कहाँ है रास्ता, ये रहा रास्ता। काफ़ी शानदार रास्ता है, यहाँ पे सुकून मिल रहा है यहाँ पे जाते हुए, बिल्कुल ठंडी ठंडी लग रही है। और पूरे देवदार के वृक्ष है इस साइड के लिए, देख सकते हो। तो बहुत टाइम हो चुका है, हम आ चुके थे घर से 12 बजे दिन में, और अभी 3:30 हो चुका है टाइम। तो थोड़ा यहाँ का वीडियो भी बना लेते हैं, इसके बाद चलते हैं घर। अभी हम पूछ चुके हैं स्कूल में, तो ये यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल था, सरस्वती शिशु मंदिर, जो कि अब बंद हो चुका है और कोई नहीं रहता यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ा पंखा भी ऊपर की तरफ। अभी आपको यहीं जाके इसकी स्टोरी बताते हैं। ये स्कूल था 1 क्लास से 5 क्लास था, जो कि प्राइवेट था, और 2 साल हो चुके इसको बंद हुए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक खंभा है बहुत बड़ा, जिसके ऊपर पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर पवन ऊर्जा का संग्रहालय था पहले, जो ये पूरे कमरे बने हुए यहाँ पे, ये पूरा पवन ऊर्जा वालों ने बना रखे थे। तो ये काम यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, पहले यहाँ पे ये पंखा लगाया था, जो कि कुछ दिनों तक चला था। इसके पास के पंखे टूट गए थे, और बहुत जोर जोर से आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था कि जैसे हेलीकॉप्टर चलता होगा। और ये काम हुआ था 1994 में यहाँ पे स्टार्ट, तो ये कुछ ही दिनों तक चला था, उसके बाद ये बंद हो गया था क्योंकि ये सफल नहीं हुआ था ये काम। फिर उसके बाद लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट स्कूल खोल दिया था।
अब यहाँ के कमरे खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे हालत हो रखी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे कागजात नीचे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की टीसियाँ भी है और आग भी जला रखी है किसी ने यहाँ पर। और यहाँ से है बाहर की तरफ एक दरवाज़ा और एक कमरा यहाँ है जो कि बिल्कुल टाइट हो रखा है, खुल नहीं रहा है। और एक कमरा ये रहा, पूरा आग लगाई हुई यहाँ पर कागजों पे। और एक कमरा इस तरफ का है, यहाँ पे टॉयलेट है। अब आपको बाहर दिखाते हैं। और यहाँ पे अलमारियाँ फेंकी हुई है, देख सकते हो कैसी हालत हो चुकी है यहाँ की। और इधर की तरफ तो बहुत शानदार व्यू आ रहा है। और इस तरफ के लिए भी है कुछ कमरे। और पेंटिंग काफ़ी प्यारी प्यारी बना रखी है यहाँ पर, देख सकते हो। इसके अंदर से कट कट की आवाज़ आ रही है, तो आंसू डर रहा है, आंसू बोल रहा है, पता नहीं क्या है इसके अंदर। क्यों लग रहा तुझे डर? क्या है देखना इसके अंदर क्या? अच्छा ये रुक तो, जो आपकी दिखाई दे रहा ना, ये हिल रहा है हवा से, फिर ये बज रहा है ऐसे करके और कट कट की आवाज़ आ रही थी फिर। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताने कि आपको यहाँ के स्कूल कैसे लगे और कॉलेज कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।